हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि हमारे छत पे कुछ ना कुछ फैला हुआ है, तो ये बात की बात है। पहले हम जान लेते हैं कि हमारे वीडियो का आज का टॉपिक क्या है। हमारे वीडियो का आज का टॉपिक कि हम जो विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है ग्लैडियस, हम उसको कैसे लगाते हैं, आज हम वो देखेंगे। और उसकी क्या क्या केयर है लगाते समय, वो उसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे यहाँ धूप बहुत ही अच्छी निकली हुई है, तो आपको मेरा पूरा गार्डन आज मैसी और बहुत ही गंदा सा लगेगा, क्योंकि मैंने सारे ही छत पर देखिए कैसे सॉइल जो है फैला के रखी हुई है कि ये एस्टरलाइज हो जाए। और ये सारे जो सॉइल है, हमारे जो समर्स के फ्लावर्स हटे हैं या जो प्लांट डेड हो गए थे, उन्हीं की सॉइल है, तो मैंने फैला के रखी है। तो देखिए दोस्तों, ग्लैडियस जो फ्लावर है वो आप सभी ने देखा ही होगा, शादी वगैरह में आपको बुके में लगा हुआ मिलता है, और ये काफ़ी कलर वैरायटी में आता है। अभी मैंने आपको जल्दी एक बल्ब पे वीडियो दिखाया था कि कौन कौन से विंटर के बल्ब्स होते हैं, उन्हीं में से आज मैं पहला जो बल्ब है वो लगाने जा रही हूँ, ग्लैडियस। और दोस्तों, ये इसकी जो प्लांटिंग होती है, ये कई बार होती है, कई बार इसको लगाया जाता है, क्योंकि ये आप जानते हैं साथी शादी वगैरह में या बुके में ये यूज़ होते हैं, तो इनकी प्लांटिंग कई बार होती है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आप सब भी, अगर आपके पास सॉइल है और वो आपने यूज़ की हुई, इसको फिर से यूज़ करना है विंटर में, तो आप ऐसे धूप में देखिए कितनी तेज़ धूप हो गई है, मैं तो अंदर हूँ, तो आप धूप में इसको फैला दीजिए। चलिए अब टॉपिक पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे ग्लैडियस के बल्ब हैं, ये मेरे लास्ट ईयर मैंने लगाया था, जो ये उसी के बल्ब हैं। और आपको इसमें फंजीसाइड भी दिख रहा होगा, मैंने फंजीसाइड लगा के इसको न्यूज़पेपर में रैप करके रखा हुआ था। फिर जब मैं साफ़ सफ़ाई कर रही थी आज से 2 महीना पहले, तो मैंने इसमें स्पाउट्स देखे थे बहुत ही छोटे छोटे से, तो जस्ट मैंने कोकोपीट के मिश्रण में इसको बस ऐसे दबा दिया था। तो उसके बाद देखिए इसकी प्रोग्रेस कितनी अच्छी हो गई, और इसमें रूट्स भी डेवलप हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कैसे रूट्स डेवलप हो गए हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कैसे रूट्स आ गए। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, इस कोकोपीट में बस ये कोकोपीट है और ये परलाइट है बस, और इसको बस मैंने इसमें ऐसे बिछा दिया था, और इसके ऊपर ये रख के थोड़ी सी पानी स्प्रिंकल कर दिए थे, ज़रा सा इसको मॉइस्चर मिला, और ये देखिए कितना अच्छा इसने रूट्स डेवलप कर लिया है, और इसमें स्प्राउटिंग भी हो गई है। तो देखिए दोस्तों, ये तो मेरे पास थे और मैंने इनको ऐसे कर लिया, तो ये आपके तैयार हो गए। पर अगर आप बाज़ार से ख़रीद रहे हैं तो भी आपको बस ऐसे ही प्रोसेस अपनाना है जो मैं अब करने जा रही हूँ। और इसी में देखिए, ये मेरे फेशिया के बल्ब हैं और इसमें भी रूट्स आ गए हैं, जल्दी इसमें भी जब ग्रोथ हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, और इसका भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि इसको कैसे ग्रो करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए देखिए दोस्तों, मैं ऐसे पॉट्स को यूज़ कर रही हूँ, ये वही पॉट हैं जिसमें हमारे रजनीगंधा के बल्ब लगे हुए थे, मैंने उनको सबको निकाल दिया और बल्ब को स्टोर कर लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं कि हम इसको लगाते कैसे हैं। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बस ये बल्ब को इसमें ऐसे रख दीजिए थोड़ा सा सॉइल में ऐसे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मेरे में तो रूट्स निकले हुए हैं, तो मैं इसको बहुत संभाल के ही इसमें लगाऊंगी, जिससे कि इसके रूट्स डैमेज ना हो। और इसमें रख दीजिए, अगर आप बल्ब्स खरीद रहे हैं तो आपके में रूट्स नहीं आए होंगी, जैसे जस्ट लाइक का ये देखिए, अभी इसमें रूट्स नहीं आई हैं, तो आप चाहिए तो इसके ये ऊपर का जो पार्ट है ये थोड़ा सा हटा सकते हैं आप, ये आप ऐसे हटा लीजिए, और उसके बाद में आप इसमें सॉइल में इसको रख दीजिए। मैं रख लेती हूँ सारे को, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी को लगा लिया है, और स्प्राउटिंग को आपको दबाना नहीं है, बस मैं यहाँ यहाँ तक अभी सॉइल डालने वाली हूँ। तो अगर आप बल्ब खरीदने जा रहे हैं तो आपको सावधानी क्या रखनी है, अगर आपको फ्लावरिंग जल्दी चाहिए तो आप हो सके तो जितने बड़े वाले बल्ब्स हैं, देखिए जैसे ये इस टाइप के, इतने अगर डायमीटर के आप बल्ब्स लेते हैं तो इसमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी होगी, और अगर आप छोटे छोटे से बल्ब्स लेते हैं तो उनमें फ्लावरिंग बहुत देर में होगी। तो देखिए, ये मेरे 3 बल्ब मैंने इसमें लगाए और 2 छोटे छोटे मैंने इधर की ओर लगा दिए हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप बल्ब्स खरीद रहे हैं तो बड़े साइज के बल्ब्स खरीदिए, और उसको ऐसे दबा के देखिए कि उसमें कुछ चिपचिपा सा या ऐसे सौगी सा ना हो, बहुत टाइट बल्ब होने चाहिए, ये आपको खरीदते समय देखना चाहिए। और देखिए, ये मैंने लगा दिया है, अब मैं इसके ऊपर सॉइल डाल दूंगी।
तो मैं अभी तो इसमें हल्की सी सॉइल डाल रही हूँ, फिर जब ये अच्छे से स्प्राउट करके ऊपर आ जाएंगे तो फिर मैं यहाँ यहाँ तक इसकी सॉइल को भर दूंगी, क्योंकि अभी ये स्प्राउटिंग पे हैं तो बस जस्ट मैंने इसको ऐसे ही करना है, इसकी स्प्राउटिंग बाहर रहे हल्की सी। तो ये करने के बाद में दोस्तों इसमें आपको फंजीसाइड का पानी देना है और इसको आप इनडायरेक्ट सनलाइट में अभी रखिए, कुछ थोड़ी सी इसमें प्रोग्रेस आपको नज़र आए या लीव्स वगैरह निकल आए, स्प्राउटिंग तो हो चुकी है हमारे में, अगर आप में भी स्प्राउटिंग हो जाए तो आप उसको सन में रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों इसको ना पानी से, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से बचाइए, क्योंकि बल्ब्स जो होते हैं लाइट मॉइस्चर में ही जर्मिनेट करते हैं। आपने देखा अभी मैंने कोकोपीट दिखाया था, उसमें आपको कितना ही, ये देखिए ये कितना ड्राई है एकदम, आप देख रहे हैं कहीं पे भी इसमें मॉइस्चर नहीं है, लेकिन फिर भी इसने जर्मिनेशन स्टार्ट कर दिया। तो आपको पानी से अपने जो भी बल्ब आप लगाते हैं उसको पानी से बहुत बचाइए, बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो आपके ये बल्ब्स जो हैं सड़ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये बात हो गई हमारे ग्लैडियस की, और ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर होता है, और इसके फ्लावर्स दोस्तों एक स्पाइक पे आते हैं, एक डंडी होती है और उसी पे कई सारे फूल, लगभग 15-20 फूल एक साथ ही आते हैं। और फिर उसके बाद जब इसके फूल्स ख़त्म हो जाते हैं, कुछ दिन आप इसको इसमें रहने दीजिए और उसके बाद इसके बल्ब को प्रिजर्व कर लीजिए। ये आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और ये आपके पास हमेशा के लिए हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, होप है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी कि ग्लैडियस बल्ब को हम कैसे लगाते हैं अपने विंटर को कलरफुल करने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके माय फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ में मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी मिलूँगी। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।